Welcome to C-Wave series. Today in C-Wave series, we will learn about aldol condensation. Aldol condensation, carbonyl compounds में aldehyde और ketone की बहुत important reaction है. Aldol condensation, दो aldehyde या दो ketone के बीच की reaction है. उसमें क्या condition होती है? तो सबसे पहले एक aldehyde या ketone में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए. ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है. इसके अलावा इसमें डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस भी चाहिए, या तो NaOH या तो फिर KOH. इट मींस दैट ओनली दोस aldehydes एंड ketones आर गिविंग aldol condensation who have minimum one alpha hydrogen. First step में क्या होगा? तो जिस aldehyde या ketone में alpha hydrogen है उसमें inductive effect होगी, मतलब carbon और hydrogen का bond break होगा, जिसमें carbon minus बनेगा, hydrogen plus बनेगा in presence of dilute base. Second step में क्या होगा? जो दूसरा बचा हुआ aldehyde या ketone होगा उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगी, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ में से पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चला जाएगा और सी प्लस ओ माइनस बनाएगा. थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो भी प्लस माइनस बने, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, वो एक्सचेंज होके क्या बनाएंगे? अल्डोल, जिसमें एक अल्कोहल ग्रुप होगा और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा. उसके बाद वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके कंडेंसेशन होगा, इनाल या इनॉन हमें मिलेगा. व्हाट इज सेल्फ अल्डोल? तो जब दो सेम aldehyde या ketone के बीच में अल्डोल कंडेंसेशन होता है उसको सेल्फ अल्डोल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगी और ऑलमोस्ट वो 3-hydroxy aldehyde होगा. व्हाट इज क्रॉस अल्डोल? सो व्हेन टू डिफरेंट aldehyde और ketones will react with each other, then we will have whether one product or whether four products depending upon the presence of alpha hydrogen. So this is called cross aldol. Let's understand it by mechanism. सबसे पहले एक aldehyde का जो alpha hydrogen है वहां पे क्या हो रहा है? Inductive effect हो रही है और हमें carbon ion मिलेगा और hydrogen plus ion मिलेगा. ये होगा सिर्फ बेस की प्रेजेंस में और वो बनाएगा BH प्लस एंड वी विल गेट कार्बन आयन CH2 माइनस CHO. नाउ इन सेकेंड aldehyde वी कैन सी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जहां पे ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चला जाता है और कार्बन कार्बोकेटायन बन जाता है. आफ्टर दैन इन थर्ड स्टेप ये दोनों जो प्लस है और माइनस है वो जुड़ जाएंगे और जो H था BH प्लस का वो H विल गो टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे OH ग्रुप बन जाएगा और ये पूरा एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगी. सो इसको प्रोडक्ट को कहते हैं हम aldol, दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde. व्हाई इट इज कॉल्ड aldol? बिकॉज इट इज कंटेनिंग aldehyde ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप. aldol बनने के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन, वो एसिडिक या बेसिक, दोनों मीडियम में हो सकता है. पहले हम बात करेंगे बेसिक मीडियम की. तो बेसिक मीडियम में आप देख सकते हैं कि जो CH2 है उसमें से पहले इंडक्टिव इफेक्ट होगी, H निकल जाएगा और C माइनस बनेगा. सेम वे कार्बन और OH के बॉन्ड में से हेटेरोडिक क्लेवेज होगा, कार्बन प्लस बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा, विच इज रिमूविंग H प्लस एंड OH माइनस वाटर. और जो CH माइनस का माइनस चार्ज है वो क्या करेगा? दैट विल फॉर्म पाई बॉन्ड और हमें क्या मिलेगा? इनाल. अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो जिसमें H प्लस होता है, जो H प्लस क्या करेगा? OH पे अटैक करके OH2 प्लस बनाएगा, जो निकल के कार्बन प्लस बनाएगा. तो बाजू वाला सेम CH2 क्या करेगा? अपना एक हाइड्रोजन निकाल के वो जो इलेक्ट्रॉन बचा था पैर उससे पाई बॉन्ड बनाएगा और वहां पे से भी हमें क्या मिलेगा? इनाल. इन शॉर्ट हमें याद क्या रखना है? जस्ट रिमेम्बर दिस कि जब सेल्फ aldol होगा तो दोनों aldehyde या ketone के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जिसमें से एक इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करेगा, इसलिए प्रोडक्ट हमें एक ही मिलेगी. लेकिन जब क्रॉस aldol करेंगे तो दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन कि अगर दो डिफरेंट aldehyde या ketone है उसमें से सिर्फ एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है तो उसी का इंडक्टिव इफेक्ट होगा, बाजू वाले बाकी वाले का क्या होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट.
बट अगर हमारे दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो चार प्रोडक्ट मिलेगी, कैसे, दो सेल्फ हाइड्रोजन की और दो क्रॉस हाइड्रोजन की, क्योंकि वो दोनों एक बार अपना इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे और एक बार अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सी वेव इन केमिस्ट्री, प्लीज राइट इन कॉमेंट बॉक्स. फॉर दैट जस्ट रिफर द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. थैंक यू. Thank you for watching the video. Please like and share the video. To get more videos on chemistry, education, science career and on environment, then please subscribe my channel. Please hit the bell icon if you want to be notified for the next video. Thank you.